गुड मॉर्निंग यूके जी, आज आपकी मैथ्स की क्लास है। मैथ्स में हम एडिशन कर रहे हैं और यहाँ पे एडिंग थ्री नंबर्स कर रहे हैं, यानी तीन नंबर को कैसे ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, मैंने इसको करके देखा है, 2 + 3 + 1। तो इसको कैसे ऐड करेंगे बेटा, फिंगर्स पे ऐड करेंगे। 2 और +3 ऐड करेंगे तो क्या होता है हमारा, 5 होता है। +1 करेंगे तो 6। तो आंसर आया हमारा 6। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, एडिंग दीज नंबर्स, 2 + 3 कितना होगा बेटा, 5 होता है। +4 करेंगे तो इसमें आंसर आता है हमारा 9, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए कर दिया है। सेकंड वाला से हम देखिए, 1 + 4 कितना होगा बेटा, 5 में 3 + करेंगे तो आंसर आता है हमारा 8। इसके बाद नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम हमारा क्या है, 2 + 2 + 2। तो इसमें देखिए 2 में 2 + करेंगे 4 होगा, फिर इस 4 में + 2 करेंगे तो 6 होगा। फिंगर्स पे लाइन काउंट करना आपको, 5 में 2 + करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। +1 करेंगे तो आंसर आता है हमारा 8। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखिए आप, 4 में + 1 करेंगे तो और तो आता है 5, और +2 करेंगे इसमें आंसर आ गया 7, और 2 में +3 कर रहे तो आंसर आता है 5, और 5 में + 5 कर रहे तो आंसर आ गया हमारा 10। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखिए, 4 + 3 तो आंसर आया 7, और +3 इसमें ऐड करेंगे तो आंसर टोटल जो हमारा आंसर आया फाइनली वो होगा 10। 3 में + 1 करेंगे 4 होता है बेटा, +2 कर देंगे तो क्या आएगा, 6 होगा। और इसके बाद लास्ट वाली लाइन में मैंने सेम इसी तरीके से की है, ध्यान से देखिएगा आप, 3 + 3 हो गया 6, और इसमें +2 करेंगे तो हो गया 8। ठीक है, 6 + 1 में क्या, 6 + 1 होता है 7 बेटा, और इसमें 1 + करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 8। 1 + 3 होता है 4, इसमें +2 करेंगे तो आंसर आ गया 6। 1 + 2 हमारा क्या होगा बेटा, 3 होगा, और 3 में 0 + करेंगे बेटा, किसी भी नंबर में अगर हम 0 + करेंगे तो आंसर हमारा सेम ही रहता है, तो आंसर आया हमारा 3। और इसी तरीके से मैंने नीचे कुछ सम्स किए आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद है हमारा एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। देखिए बेटा, 2 डिजिट नंबर को कैसे ऐड करते हैं ये मैं आपके लिए करके बता रही हूँ। यहाँ पे है 2 + 2 और 2, इसमें कितना प्लस कर रहे हैं, 7 + कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे लाइन डालेंगे 1 2, और इसके बाद इसमें 7 लाइन डालेंगे नीचे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर हमारा क्या आया, 9, और यहाँ पर 2 है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लाइन डालेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे 2 लाइन्स, 1 2। अब टोटल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 5, और यहाँ पर 4। इसके नीचे आप नंबर्स लिखना चाहो तो नंबर्स लिख सकते हो। उसके बाद 4 में 4 + करेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4। नंबर्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, और यहाँ पर 5, तो आंसर आया 58। ये लास्ट वाला सम भी इसी तरीके से मैंने किया, ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद देखिए बेटा, बाकी के सारे सम्स इसी पैटर्न से किए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये ऐड द फॉलोइंग है, एक इन्होंने आपके लिए कर रखा है, 6 में 2 + करेंगे, पहले 6 लाइन डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, अब 2 लाइन डालेंगे, 1 2। अब इसे टोटल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या आया, 8। इसी तरीके से यहाँ 3 में 3 + करेंगे, पहले 1 2 3 3 लाइन डाली, फिर अगेन 3 लाइन डालेंगे, 1 2 3। ठीक है बेटा, तो अब काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आया हमारा, 68। इसी तरीके से मैंने 2 और सम आपके लिए किए बेटा, आप लाइंस डालोगे इसी तरीके से, और बाकी के सम ये आप खुद से करोगे। तो UKG ये क्या है, ये आपका काम है, नीट एंड क्लीन मैथ्स की कॉपी में करेंगे, PDF बना के मैं सेंड करेंगे, इसी के बेस पे आपकी अटेंडेंस लगती है। बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।